अवैध शराब के खिलाफ रतनपुर चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात ट्रक से गुजरात परिवहन हो रही महंगी शराब को जब्त किया। शराब हरियाणा से दमन पहुंचनी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। रतनपुर पुलिस चौकी इंचार्ज हेड सुशील कुमार ने बताया कि जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर NH 48 पर नाकेबंदी की थी। इस दौरान उदयपुर की तरफ से एक ट्रक आता हुआ नजर आया। पुलिस जवानों ने ट्रक रुकवाने की कोशिश की तो चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक की तलाशी लेने पर गत्तों की आड़ में विभिन्न ब्रांड की 569 शराब की बोतलें मिली। जब्त शराब की बाजार में कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रमौली चौबीसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमौली, जिस तरह से ये शराब लाई जा रही थी, वाकई कानून को धोखा देने की कोशिश तो की गई, लेकिन धोखा दे नहीं पाए, बड़ी कामयाबी है ये पुलिस के लिए। कहाँ से शराब लाई जा रही थी, कहाँ सप्लाई होनी थी, और क्या किसी की गिरफ्तारी इसमें हुई है? जी बानो, मैं बताना चाहूंगा कि जो रतनपुर बॉर्डर है वो शराब तस्करी के लिए अपने डूंगरपुर जिले में अहम भूमिका निभाता है, और यहाँ से जो है शराब तस्कर वो अपने शराब को लेकर गुजरात की ओर परिवहन कर रहे थे। बानो, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये ट्रक पकड़ा है वो कल देर रात की कार्रवाई है रतनपुर पुलिस की, जो नाकाबंदी में है उन्होंने 569 जो शराब की बोतल थी उनको जब्त किया है, और उसके साथ ही जो ट्रक का जो चालक था वो मौके का फायदा उठाकर वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गया, भागने में कामयाब हुआ। जबकि उसका एक साथी है यूपी निवासी खलासी रूप सिंह, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जो ये शराब थी वो बानो हरियाणा से जो दमन दीज दमन जो इलाका है गुजरात का, वहां पे परिवहन के लिए तस्करी हो रही थी। जी, किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं हो सकी है, क्या ये पता चला है ट्रक का मालिक कौन था? नहीं सर बानू, अभी इस बारे में कोई भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी जो पुलिस है वो इस ट्रक और ट्रक के जो खलासी जिसको रूप सिंह को उन्होंने पकड़ा उत्तर प्रदेश निवासी, जी, उससे जो है पुलिस पूछताछ कर रही है और मामला अनुसंधान में है। बानू, क्या ये शराब बेचने के लिए ले जाई जा रही थी या किसी के पर्सनल इस्तेमाल के लिए? जी बानू, ये जो शराब है वो जितने भी 569 जो बोतलें मिली हैं वो ब्रांडेड जो शराब है, जो उच्च क्वालिटी की शराब होती है जी। वो इसमें जब्त की गई, और निश्चित तौर पर ये किसी बड़े जो कारोबारी है शराब कारोबारी उसी के लिए तस्करी की जा रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जी, बानू बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमौली चौबीसा आपका तमाम जानकारी के लिए।